बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ जहांगीरी मटन और ये भी स्पेशल रेसिपी है। और ये जो मटन बनेगा बहुत जबरदस्त होगा इंशाल्लाह, इसमें ज्यादा मसाले नहीं जाएंगे लेकिन ये टेस्टी बहुत होगा। चलिए फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हाफ के जी मटन है और मैं इसे पहले बॉइल कर लूंगी। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून चॉप किया हुआ लहसुन अदरक, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून सौंफ, हाफ टी स्पून सफेद जीरा। मैं दो ग्लास पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे मटन का स्टॉक भी चाहिए, यानी यखनी मुझे इसकी चाहिए। और अब मैं इसको बंद कर दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं, मटन गल गया है और अब मैं मटन को अलहदा कर लूंगी और यखनी को मैं अलहदा कर लूंगी। अब सबसे पहले मैं इसमें घी डालूंगी, अगर आपके पास ऑयल है तो वो डालें, देसी घी है तो वो डाल लें, लेकिन जो घी में इसका टेस्ट आएगा वो सबसे अच्छा आएगा। ये तकरीबन 1/4 कप मैं घी डाल रही हूँ। घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें चौकी हुआ अदरक डाल दूंगी, थोड़ा सा डालना है तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब, 1/2 टीस्पून सफेद जीरा और 3 चम्मच इलायची। हल्का सा फ्राई करूंगी, अदरक जीरा और सब्ज इलायची ये हल्का सा फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें मटन डाल दूंगी। अब मैं मटन को हल्का सा फ्राई करूंगी और फिर इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। मटन फ्राई हो चुका है, अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी, 1 टीस्पून सिरप मिर्च। अब मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून देगी मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ कुछ धनिया। अब इन सारे स्पाइसेस को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। अब मैं टमाटर की पेस्ट ऐड कर दूंगी, 2 टमाटर बड़े साइज के, उनकी मैंने पेस्ट बना ली है। ये मैं मटन के लिए ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। 2 मीडियम प्याज मैंने ब्राउन करके उनकी मैंने पेस्ट बना ली थी, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 1/2 कप दही, इन सब चीजों को मैं अच्छी तरह भून लूंगी। दही और टमाटर का पानी खुश्क होने तक मैं पकाऊंगी इसे। चॉप की हुई 3 चम्मच मिर्च इसमें ऐड कर दूंगी। घी अलहदा हो चुका है और अब मैं इसमें यखनी ऐड कर दूंगी। अब मैं 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे पकाऊंगी, फिर ये रेडी हो जाएगा क्योंकि स्टॉक जो है वो इसका ऑलरेडी पका हुआ था। घी अलहदा हो चुका है और हमारा मटन जहांगीरी तैयार हो चुका है। इसमें अब मैं डाल दूंगी गरम मसाला, कटा हुआ धनिया, अदरक और सब्ज मिर्च। आप मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त मटन है और आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें मसाले लिमिटेड हैं लेकिन टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।